ये है राजा। 13 साल तक अफ्रीका के जंगल में अपने इलाके पर राज किया है इसने। एक योद्धा, इसकी दहाड़ मिसाल है ताकत की। झुंड का रखवाला, नई पीढ़ी का पिता, एक हीरो, एक भाई और एक निशानी था ये। नाम था सेसिल। एक खूंखार पर भक्षी जो जहां भी गया आसपास वालों ने इसकी दहाड़ सुनी, लेकिन जब शिकारी के तीर ने इसकी जान ली तो दुनिया ने आवाज उठाई। इसकी मौत ने गुस्से और अफसोस की लहर पैदा की हर उस शख्स में जिसने इसकी कहानी सुनी। एक शानदार जिंदगी, एक गजब की विरासत, जो जन्मा था राज करने के लिए। यह है जिम्बाब्वे का ह्वेंगी नेशनल पार्क, जहां पैदा हुआ सेसिल। बाकी नन्हे नरों की तरह सेसिल और उसके भाई लियांडर की जिंदगी शुरू हुई। इनके दिन बीतते थे खाने, सोने और हर हिलती चीज को परखने में। शुरू से ही एक खास शख्सियत का सा रुतबा दिखाया इसने। एक बेखौफ बच्चा दुनिया का सामना करने को तैयार। शेरों के कुछ ही बच्चे जिंदा बचते हैं। सेसिल के जूझने के जज्बे और उसकी मां की देखभाल ने उसके जिंदा रहने के आसार बढ़ाए। उसका पिता भी उसके हिम्मती मिजाज का कायल है। बहुत कम ही बच्चे शेरों के सामने ऐसी धमाचौकड़ी मचाने की हिम्मत दिखाते हैं जिनका पारा फौरन चढ़ जाता है शैतानियां देखकर। वक्त के साथ उसके गले पर नन्हे बाल उगते हैं। भाई लियांडर हमेशा उसके साथ रहता है। ये शरारतें धीरे धीरे कुश्ती में बदल गई। बड़े होने की तैयारी है ये। लियांडर अपने से बड़े सेसिल के सामने थोड़ा झुककर ही रहता है। छोटा भाई जो है वो पर इस तीखी नोकझोंक के पीछे पनप रहा है एक गहरा रिश्ता। एक दिन आएगा जब उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। जरूरत पड़ने पर सेसिल हमेशा अपने भाई की मदद के लिए तैयार रहता है। भाइयों के बड़े होने पर सेसिल का चाल चलन पैदाइशी अगुआ जैसा हो गया। अपने पर यकीन, देखने का शाही अंदाज। वो पहले खाता है और उसके पेट भर लेने के बाद ही उसके भाई के खाने की बारी आती है। मां के गुजरने के बाद इनका पिता बड़ी उम्र का एक शाही शेर
इन्हें आने वाले दिनों में अपनी हुकूमत पर खतरे की तरह देखने लगा। इन भाइयों को शेरों का सबसे अहम कायदा सीखना होगा, क्योंकि सुकून नसीब नहीं होता एक राजा के ताज को। झुंड के नर को हर हाल में बचाना होता है अपने इलाके और अपनी मादाओं को। अपने बेटों तक से भी इनकी माएं भी मुंह मोड़ लेती हैं उनसे। इशारा एकदम साफ है, लियांडर और सेसिल को जाना होगा। झुंड से निकाले भाई साथ साथ रहते हैं। एक अनजान और खतरनाक दुनिया है इनके झुंड की सरहदों की हिफाजत के पार। लेकिन उनके पिता को अब भी तसल्ली नहीं है। बात तय है कि अब वो बड़े हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल अकेले हैं। इनके झुंड ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। दोनों अनजान वीरानों में भटकते हैं भूखे पेट। जूठन के टुकड़े भी नसीब से मिलते हैं। मुर्दा खोरों से मांस झपटकर पेट भरा जा सकता है। आठ नर शेरों में से सिर्फ एक ही जवानी तक पहुंचता है। इस उम्र में अनाड़ी नौसिखिय शिकारी हैं ये, जबकि दुश्मन हर मोड़ पर है। ये जहां भी जाएंगे वो किसी दूसरे नर के इलाके में घुसपैठ ही होगी।
बड़ी उम्र के शेरों से खतरा बना ही रहता है। इन्हें होशियार सिर्फ दूसरे शेरों से ही नहीं रहना है। एक मरे हुए जिराफ की महक, भरपेट खाने का ये वादा इतना दिलकश है कि भूखे भाई अनदेखा कर ही नहीं सकते। लेकिन ये पल भर के लिए भी बेपरवाह होने की भूल नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास खतरनाक दुश्मन मंडरा रहे हैं। लकड़ बग्घे, सेसिल और लियांडर छोटे हैं, खुद पर अभी उतना यकीन नहीं करते और ऐसे में झुंड से टकराने की हिमाकत नहीं कर सकते। लकड़ बग्घे इकट्ठे हों तो मुफ्त में खाना मिलना एक ख्वाब ही है, इसलिए भाई पीछे हट जाते हैं। लकड़ बग्घों का झुंड दावत उड़ाता है, उनके आसपास रहते हुए बचे मांस को उड़ा लेना आसान नहीं होगा। जिंदा रहने के लिए अपना शिकार खुद करना इन्हें सीखना होगा। सेसिल और लियांडर को शिकारी होने के नाते अपने हुनर को निखारना होगा। केव बफलो उनका पहला शिकार है, उनसे निपटने के लिए चाहिए तालमेल। भगदड़ मचाने से कामयाबी मिल सकती है। बफलो इनका अनाड़ीपन भांप लेते हैं। और जानलेवा पलटवार करके तस्वीर का रुख बदल देते हैं। भाई भी इतने बड़े शिकार को देख उलझन में पड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं से तो एक बच्चा ही काफी है। सेसिल अपने शिकार को अकेला ही दबोच लेता है और उसका भाई फौरन पहुंचकर शिकार को खामोश कर देता है। मदद की गुहार झुंड का ध्यान खींच सकती है और अब शुरू होती है दावत। हर शिकार के साथ दोनों भाई शिकार की एक माहिर टोली बनते जाते हैं। अपने पिता की तरह वो ऊंची कदकाठी वाले शेर बनकर अपने खुद के इलाके का दावा ठोकने को तैयार हैं, और इसका मतलब है एक जंग की शुरुआत। उत्तर के ह्वांगी इलाके का ये बूढ़ा शेर जंग से अनजान नहीं है। पर सेसिल और लियांडर एक कमी देखते हैं इस वयस्क नर में। इन दोनों की सामूहिक ताकत जंग की तैयारी की जाती है। शेर को सवा शेर मिलते हैं, दो भाइयों के आगे मजबूर होकर
वयस्क शेर हथियार डाल देता है। तख्ता पलट की अपनी कोशिश को परवान चढ़ाने के लिए एक आखिरी रुकावट और दूर करनी है, शेरनिया। माहिर शिकारियों और जांबाजों का ये झुंड किसी ऐरे गैरे को अपने बच्चों का बाप नहीं बनने देगा। शेरनिया ही झुंड की असली नेता हैं। इनका राजी होना भाइयों का दर्जा पुख्ता करता है। अपने पैदाइशी झुंड को छोड़ने के बाद अब ये दोनों अकेले नहीं रहे। इन्हें वो मिल गया है जिसके लिए शेर अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, एक परिवार। घुसपैठियों से झुंड को बचाने की जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर है। बदले में अगली पीढ़ी का पिता बनने का हक मिला है इन्हें। अब काले बालों वाला एक खूंखार शेर है सेसिल। गहरे रंग के उसके बाल दिखाते हैं कि उसमें कितना जोश और दमखम है, और इसी चीज पर लट्टू होती हैं मादाएं। बच्चों की इनकी पहली खेप, एक नई पीढ़ी। इस बढ़ते झुंड को खाना चाहिए, खूब सारा खाना। बफलो बड़े पर धीमे हैं, नर की ताकत चाहिए उन्हें पकड़ने के लिए। सेसिल और लियांडर में कामयाबी दिलाने का दम है। जहां दोनों भाई बफलों को जमीन पर दबोचे रहते हैं, वहीं शेरनिया गले पर वार करती हैं। इस शिकार का बड़ा हिस्सा सेसिल और लियांडर को मिलने के बाद भी काफी कुछ है पूरे झुंड के लिए। भरे पेट, पहलू में मादाएं और पैरों के पास खेलते बच्चों के बीच सुकून से जीते हैं सेसिल और उसका भाई। कोई भी इनसे टकराने की हिम्मत आसानी से नहीं करेगा। लेकिन एक नया खतरा सामने आया है। हुकूमत की लड़ाई एक बार फिर हो सकती है। शेरों के एक नए गुट की नजर है सेसिल के इलाके पर, और इस गुट में चार शेर हैं।
सबसे बड़े और ताकतवर शेर का नाम है जेरिको। इसकी तेज और दमदार दहाड़ जंग का ऐलान है। जेरिको भले ही बड़ा है पर उम्र में सेसिल से साल भर छोटा है और इसके हल्के रंग के बाल इसे ओहदे में नीचे दिखाते हैं। लेकिन ये अपने साथियों के साथ है इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जेरिको खुली चुनौती देता है। सेसिल और लियांडर अपने से छोटे नरों के सामने पीठ नहीं दिखाएंगे। अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये लड़ेंगे। अफरा तफरी में सेसिल और लियांडर बिछड़ जाते हैं। दो मोर्चों पर जंग लड़ते हुए दोनों को दो दो प्रतिद्वंद्वियों से जूझना है। लियांडर से भिड़े दो शेर उसे दबोच लेते हैं। एक जांबाज लड़ाके की तरह सेसिल सामने वाले दो नरों को धूल चटा देता है और एक को बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर तुरंत मुड़कर वो अपने भाई को बचाने आता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लियांडर आखिरी सांस लेकर सेसिल को अकेला और जख्मी छोड़ गया। जबरदस्त हार के बाद इसे अपना इलाका छोड़कर जाना होगा। ज्यादातर नर शेर ऐसे ही दम तोड़ते हैं, जख्मी और अकेले। बिना कोई सुराग छोड़े सेसिल गायब हो जाता है। जीतने वाले जेरिको गुट में अब तीन शेर बचे हैं। खुद को इलाके के नए नर साबित करके सेसिल और लियांडर के तमाम बच्चों का ये खात्मा कर देते हैं। लेकिन इनका रौब ज्यादा दिन नहीं रहता। ये अपनी पीढ़ी के बाप बनते उससे पहले ही जेरिको के बाकी दोनों भाइयों को शिकारी ललचाकर रिजर्व से बाहर लाकर मार देते हैं। जेरिको की मुश्किलें अब और बढ़ चुकी हैं। आसपास नए खतरे और प्रतिद्वंद्वी मंडराने लगे हैं। ये अकेला अपना इलाका नहीं बचा सकता। सेसिल की ही तरह झुंड के उससे किनारा कर लेने के बाद जेरिको भी गायब हो जाता है। हारे हुए दोनों लड़ाके महीनों तक नजर नहीं आते। सेसिल का शेरनियों का झुंड अकेला और बिना राजा के है। पूरे ह्वांगे में गूंज रहा है वो खालीपन जो दोनों अपने पीछे छोड़ गए हैं। दो जानी दुश्मन, दो जांबाज शेर और दोनों गुम। लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। अंदरूनी इलाके से उभरता है गहरे रंग के बालों वाला एक शानदार शेर। इसमें साफ झलकता है सेसिल का शाही अंदाज। राजा की वापसी हुई है लेकिन ये अकेला नहीं है। तमाम उम्मीदों से उलट इसके साथ है जेरिको।
एक समय पर इनकी कट्टर दुश्मनी थी, पर अब ये अजीबोगरीब नाते में बदल गई है। इस दिन से सेसल और जेरिको वहीं रहे जहां उन्हें होना था, एक दूसरे के साथ। अपने नए भाई के साथ होने से सेसल का खुद में यकीन लौटा है और साथ ही लौटी है हुकूमत करने की उसकी भूख। अब सेसल के चलने का शाही अंदाज और देखने की अदा वाकई काबिले तारीफ है। ये वापस लौटे हैं फिर से अपने पुराने इलाके और अपने झुंड को काबू में करने के लिए। झुंड पर काबू करना कोई आसान काम नहीं। चौकन्नी मादाएं नई हुकूमत को गुस्से का निशाना बना सकती हैं। भले ही ये कभी हंसता खेलता परिवार थे, पर शेरनियों को काफी समय बीत चुका है सेसिल या जेरिको को देखे हुए, और इन्हें साथ में तो उन्होंने कभी नहीं देखा। नरों को भी कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे क्योंकि इनकी तादाद कम है। सेसिल अपने जीवन चक्र के चरम पर है और शायद इस वक्त अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगली शेर है। ऐसे में वो और जेरिको मादाओं की जाहिर सी पसंद हैं। शेरनिया इन दोनों को खुले दिल से अपना लेती हैं। सेसिल और जेरिको जिम्मेदारियों को आपस में बांट लेते हैं, सरहदों के मुआयने, शिकार और बच्चे पैदा करने की। दोनों अब भाई हैं हर लिहाज से। मिलन की अपनी तैयारी का इशारा देकर शेरनिया झुंड में उनकी वापसी को पुख्ता करती हैं। एक बार फिर उसकी कदकाठी और बालों की बदौलत सेसल को मादाएं पसंदीदा साथी के नाते ज्यादा चुनती हैं। महीनों बीत गए, वयस्क मादाओं का कोई अता पता नहीं है। योद्धा भाई अब बाप बन चुके हैं, लेकिन बच्चों की सिर्फ एक खेप के नहीं। दिन बीतने के साथ हर शेरनी बच्चे जनने की अपनी गुप्त मान से बाहर आकर अपने बच्चों को झुंड से मिलाती है। कुछ हफ्ते होने के बाद अब अपने पिताओं से मिलने का उनका वक्त आ चुका है। इनमें से ज्यादातर बच्चे सेसिल के ही लगते हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीतता और सेसिल नन्हे बच्चों से घिर जाता है। तेजी से बढ़ते बच्चों की जानने की इच्छा और खुद पर यकीन भी बढ़ रहा है।
सेसिल अब उनकी शरारतों के लिए उनका पसंदीदा निशाना है। सेसिल और जेरिको ने कई जंग लड़ी हैं, जान की बाजी लगाकर, लेकिन कुल 24 बच्चों के बाप बनना एक बिल्कुल अलग सी चुनौती है। शिकार और लड़ाई के जख्म झेल चुके सेसिल और जेरिको में अब इतना सब्र नहीं है कि बच्चों की शरारतों को भी झेल पाएं। सेसिल के बच्चे कई मायनों में उसके जैसे ही हैं, विरासत में उसके जैसी गुस्ताखी भी मिली है उन्हें। जब नर बच्चों के आसपास हो तो शेरनियां चौकन्नी रहती हैं। लाड़ करने वाली माएं अपने शैतान बच्चों के बचाव में उतरने में देर नहीं लगाती। भले ही बच्चे अपने बाप जैसे ही क्यों ना हो, सेसिल दहाड़ कर गुट में शांति कायम करने की कोशिश करता है। चिंघाड़ते हाथी इस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। वांगी के हाथियों को शेरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बच्चे खतरे में हैं। ये हाथियों के झुंड के पैरों तले रौंदे जा सकते हैं। शेरनियां अपने बच्चों के साथ उनकी हिफाजत करते हुए उन्हें तालाब तक ले जाती हैं। आसपास हाथी हो तो पल भर के लिए भी शेरनियां बेपरवाह नहीं हो सकती। और सुरक्षा का इंतजाम भी काफी मजबूत है। जहां जेरिको परिवार के साथ रहता है और हाथियों पर नजर रखता है, वहीं सेसिल एक बॉडीगार्ड की भूमिका निभाता है। सबसे बड़े जानवर भी उसे धमका नहीं सकते। उसके परिवार को सताना है तो पहले उससे पार पाना होगा। हाथियों के पास भी शक करने की वजह है। ये दोनों शेर हाथियों के शिकारी हैं।
खुश्क मौसम के परवान चढ़ने पर ये झुंड हाथियों के बच्चों को निशाना बनाने के लिए बदनाम है। कभी कभी तो रोज एक बच्चे की जान तक ले लेते हैं ये। पर अगर हाथी साथ रहे तो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बच्चा बिछड़ा या भटका तो वो निशाना बन सकता है सेसिल और उसके परिवार का। ख्वांगे अफ्रीका की उन चंद जगहों में से एक है जहां शेर हाथियों का शिकार करते रहते हैं। झुंड जानता है कि देर हो चुकी है, लेकिन वो चिंघाड़ कर अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं। ये जीवन का एक अजीबोगरीब दायरा है। एक की लाश कई मुंहों को निवाला देती है। सेसिल के हाल ही में जन्मे बच्चों में से चार मादाएं हैं। ये उनका पहला शिकार है। ये बच्चे नन्हे और नाजुक हैं। लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ है अफ्रीका का सबसे बड़ा शेर। इस पनाह में जहां शिकार पर पाबंदी है, सेसिल इंसान को दुश्मन की तरह नहीं देखता, लेकिन इसका डील डॉल, बाल और खूबसूरती इसकी जान दांव पर लगा देते हैं। ये आखिरी बार है जब इसे जिंदा देखा गया था। कई दिनों तक घास के मैदानों में गूंजती रही जेरिको की पुकार। ये अपने भाई को बुलाता रहा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब इसका और इसके झुंड का आने वाला कल खतरे में है। सेसिल जा चुका है। उसके साथ जो हुआ उसे सिर्फ इंसानी दुनिया जानती है, लेकिन उसके वफादार साथी जेरिको को जीना होगा। झुंड को महफूज रखना होगा, और वो भी अकेले। तमाम मुसीबतों के मुकाबले एक शेर। दिन हफ्तों में बदल गए। सेसिल के गुम होने के बाद जेरिको मजबूती से खड़ा है। अब वो ही पिता है और वो ही बचाने वाला। जेरिको जिस शिद्दत से अपने भाई के बच्चों की देखभाल कर रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये उनके साथ खेलता है, बढ़ते बच्चों की परवरिश करता है। चार नन्ही शेरनियां इसके साथ बराबर बनी रहती हैं। इसकी देखभाल में वो तेजी से बढ़ते हुए ताकत हासिल करती हैं। ख्वांगे के लगातार बदलते मौसम के बीच हफ्ते साल बन जाते हैं, और इंग्वेशला पैन में सूरज उगने के साथ
सेसिल की विरासत तालाब के छोर पर हलचल मचाना शुरू करती है। उसकी चारों बेटियां अब नन्ही दुलारी बच्चियों से लचीली शेरनियों में तब्दील हो चुकी हैं, और उनके साथ है सेसिल के पोते पोतियां। छह हफ्ते के होकर ये दुनिया के तौर तरीके सीख रहे हैं। ये ह्वांगी के अगले राजा और रानी हो सकते हैं। ये झुंड फल फूल रहा है तेजी से बढ़ते, हमेशा भूख से कुलबुलाते बच्चों के साथ। इनकी माएं माहिर और फुर्तीली शिकारी हैं। ये तालमेल के साथ आगे बढ़ती हैं। इनके बीच इशारों में पर एकदम नपी तुली बात होती है। इन्हें देखने पर सेसिल की झलक दिखाई देती है। ये बड़ी और बेखौफ शेरनियां हैं। इनकी लहराती मांसपेशियां इनके पिता की याद दिलाती हैं। योद्धा शेरनियों की अगली पीढ़ी है ये। पूर्व में चार कम उम्र के नरों के एक गुट ने जवानी की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया है। ये सेसिल के पोते हैं। ताकतवर भाइयों का ये झुंड जिंदा रहने की अपनी ही लड़ाइयां लड़ रहा है। इनमें मौजूद है सेसिल का खून। शायद उसकी मौत किसी बदलाव का आगाज करे। उसके पोते पोतियों और दुनिया में शेरों की घटती आबादी की हिफाजत के लिए। तमाम शानदार कहानियों की तरह सेसिल की कहानी ने एक चिंगारी भड़काई, जिससे सुलगी आग ने दुनिया भर में शेरों की बदहाली पर रोशनी डाली है। एक अकेला शेर जिसने दुनिया को बदल डाला, ये उसकी विरासत है।